बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अक्सा खलील एंड दिस इज़ आवर लेसन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 द कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट लेसन में हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस और उनमें से कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था। हमारा आज का लेसन उसी की कंटिन्यूएशन में है, मतलब कि हम हार्डवेयर और इनपुट डिवाइसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेसन में जो हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आज हमने उससे नेक्स्ट 3 इनपुट डिवाइसेस पढ़नी है, दैट आर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड द लास्ट वन इज कार्ड रीडर। एंड दीज ऑल आर कमर्शियली यूज इनपुट डिवाइसेस, मतलब कि ये हमारे घरों में यूज नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन अपनी फर्स्ट इनपुट डिवाइस के साथ, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इस वक्त आप लोग एक बुक देख रहे हैं और बुक के ऊपर एक पेन लाइक डिवाइस आपको नजर आ रही होगी। ये जो आपके पास बुक है और उसके ऊपर जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपकी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, मतलब कि ये आपकी बुक्स को रीड आउट करेगी और रीड करने के बाद उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेगी। जो करेक्टर भी आप रीड करेंगे वो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा। तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो आपके पास डिवाइस है, डेफिनेटली ये आपके पास इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इनपुट डिवाइसेस ही पढ़ रहे हैं। फिर इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज टू इनपुट, आप स्कैन भी बोल सकते हैं, इट इज यूज टू इनपुट प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट। अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी बुक को फॉर एग्जांपल सेव करना है रिटन फॉर्म में, टाइप फॉर्म में, या आपके पास कुछ हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन कुछ भी है आपके पास और उसको आपने सेव करना है अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप फॉर्म में, तो उस केस में जो आप डिवाइस यूज करोगे वो कौन सी होगी? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो देखते हैं कैसे ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो है वो काम करता है। इस वक्त हैंड रिटन टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है जिसमें लिखा हुआ है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। इसके अंदर जब रीडिंग हो जाएगी, OCR इसको रीड कर लेगा, तो उसके बाद रीडिंग के बाद आप देख सकते हैं वही चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। ये आपके पास एग्जांपल आ गई है हैंड रिटन टेक्स्ट की, कि किस तरह से हैंड रिटन टेक्स्ट को आप इनपुट करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आपके करेक्टर्स को रीड करेगा और रीड करने के बाद चेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए लिखा हुआ है तो देखेगा कि ये जो आपने ए लिखा हुआ है इसकी शक्ल ए से मिलती है, तो उसको टाइप फॉर्म में अपने पास सेव कर लेगा। ठीक है, आप फिर उसको देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने बी लिखा हुआ है तो उसको भी वो चेक करेगा कि ये बी की तरह का है, तो वो उसको अपने कंप्यूटर में इनपुट कर लेगा। अब इस पूरे प्रोसेस को, ये जो रीडिंग का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस को हम कहते हैं। जिस डिवाइस के थ्रू हम ये सारा काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं, इस डिवाइस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारा काम हो रहा है या जिस टेक्निक के थ्रू ये काम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इज एन इनपुट डिवाइस एंड सिंपली इट इज़ यूज टू इनपुट प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। और सबसे मज़े की बात यह है कि आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी ये फैसिलिटी है, मतलब आप OCR को अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में ये कैसे यूज़ होगा? आप प्ले स्टोर पर जाकर कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं OCR से रिलेटेड। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्क्रीन में हमने अपनी OCR ऐप को ओपन किया हुआ है और उसके साथ एक पेज पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है और उसको हम रीड आउट करेंगे। जैसे ही वो इसको रीड आउट कर लेगा वो इसको टाइप फॉर्म में जो है वो सारे का सारा डिस्प्ले करवा देगा। तो ये किस टेक्निक के थ्रू हो रहा है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक के थ्रू। तो ट्राई करें कोई सी भी ऐप और उसके बाद कोई सी भी अपनी बुक को बेशक स्कैन करके देख, आपको उसकी टाइप फॉर्म जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। सेपरेटली डिवाइस लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, कैमरा के थ्रू वो स्कैनिंग करके उसको टाइप फॉर्म में शो करवा देगा। इस वक्त दो शीट्स हमारे पास स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर सर्कल से बने हुए हैं और आपने इसको पेंसिल के साथ फिल किया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये वाली शीट देखी होगी, जैसे अभी आप कैंगरू टेस्ट देंगे तो उसके अंदर भी ये शीट यूज़ होगी। ये शीट MCQs सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, कि आपके पास क्वेश्चन का नंबर होता है और उसके आगे ऑप्शंस गिवन होते हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको पेंसिल के थ्रू फिल कर देते हैं। इस शीट को हम कहते हैं OMR शीट,
और इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू गिव आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाइक एमसीक्यूज। तो हम यही शीट क्यों यूज करते हैं, हम सिंपल जो है वो एमसीक्यू का आंसर जो है वो क्वेश्चन पेपर पे क्यों नहीं कर लेते? ये शीट ह्यूमंस चेक नहीं करते, इसको चेक करने के लिए एक मशीन यूज होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस मशीन को हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो आपके पास डेफिनेटली एक इनपुट डिवाइस है, और इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज फॉर चेकिंग आंसर शीट ऑफ एग्जाम्स दैट हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ओएमआर शीट को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। सो ऑप्टिकल मार्क रीडर इज यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एग्जाम्स दैट हैव एमसीक्यूज। इस डिवाइस को तो हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अगेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इस सारे प्रोसेस को, इस रीडिंग के प्रोसेस को, ओएमआर शीट की रीडिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब हम कुछ कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आया हुआ है, ये है आपका CNIC कार्ड, जो कि आपके पेरेंट्स में से दोनों के पास होगा। इसी तरह से ये भी कार्ड आपने मे भी देखा हो, ATM कार्ड या डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है आपके पास। ये कार्ड भी ATM कार्ड की ही बैक साइड है, और जो नेक्स्ट कार्ड है वो भी कुछ इसी तरह का है। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखें तो पहले दो कार्ड्स के अंदर एक गोल्डन कलर की चिप आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल ऐसी जैसे आपके पास सिम होती है जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं, और नेक्स्ट टू कार्ड्स में आपको एक ब्लैक सी स्ट्रिप्स नजर आ रही है। तो जो फर्स्ट कार्ड है आपके पास, इसको हम स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो गोल्डन कलर की चिप है, इसको हम स्मार्ट चिप बोलते हैं। फर्स्ट टू कार्ड्स आपके पास क्या है? स्मार्ट कार्ड। और नेक्स्ट टू जो कार्ड्स है उसके अंदर आपके पास ये जो ब्लैक स्ट्रिप है, इसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास टू टाइप्स के कार्ड है। फर्स्ट वन इज स्मार्ट कार्ड एंड द सेकेंड वन इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। जिस कार्ड के अंदर आपके पास गोल्डन चिप होगी, स्मार्ट चिप होगी, उसको हम स्मार्ट कार्ड कहेंगे, और जिस कार्ड के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक स्ट्रिप सी बनी होगी उसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहेंगे। और अब जो लेटेस्ट कार्ड आ रहे हैं आपके पास, वो एट द सेम टाइम स्मार्ट कार्ड भी है और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड भी है, तो हम उसको स्मार्ट कार्ड ही बोलते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में और स्मार्ट कार्ड में क्या डिफरेंस है कि आपके पास स्मार्ट कार्ड में ज्यादा डेटा स्टोर होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक स्ट्रिप। इन दोनों टाइप्स के कार्ड के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है, स्मार्ट चिप के अंदर और मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर। और इन कार्ड्स को रीड करने के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस यूज होती है, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड द कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, एंड इट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन द कार्ड्स। अब ये कार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्ड, स्मार्ट कार्ड एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। कुछ इस तरह की इसकी शक्ल होती है, और आपने शॉप्स में भी देखी हो। इस वक्त ये एक कार्ड को रीड कर रहा है और साथ में कुछ इसकी पिन वगैरह जो है वो एंटर कर रहा है, और इस तरह से बिल जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको हाथ में जो है वो पैसे रखने की या पॉकेट में या पर्स में पैसे रखने की जरूरत नहीं होती। स्मार्ट कार्ड को कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसकी चिप से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। इसी तरह से जो आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, उसको डिवाइस के अंदर से स्वाइप किया जाता है और फिर उसके ऊपर रीडिंग या राइटिंग होती है। तो इस तरह से दोनों कार्ड्स को जो है वो इजीली कार्ड रीडर के थ्रू हम रीड कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की लास्ट इनपुट डिवाइस थी। आज के लेसन में हमने थ्री इनपुट डिवाइसेस पढ़े। द फर्स्ट वन वाज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो कि हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर सेव करता है टाइप फॉर्म में। सेकेंड थी हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि MCQ टाइप शीट, जिसे हम OMR शीट कहते हैं, उसको रीड करने के लिए यूज होता है। एंड द लास्ट वन इज कार्ड रीडर। कार्ड रीडर इज यूज्ड टू रीड और राइट डाटा ऑन टू टाइप्स ऑफ द कार्ड, वन इज द स्मार्ट कार्ड एंड द अदर वन इज द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। आज के लेसन से रिलेटेड हमारा होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फॉर से देखिए, क्वेश्चन रिकॉग्निशन का है, रीडर का नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशन लिखनी है। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स अवेलेबल, विच ऑफ देम स्टोर मोर डाटा, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। आज का लेसन हमारा यहाँ खत्म होता है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन द फॉलो अप क्लासेस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।